वेलकम टू पनीशियर ट्यूटर आज हम एक ऐसी न्यूज डिस्कस करेंगे जिसको आप सुन के बहुत खुश हो गए दैट इंडिया बिकेम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे रिसेंटली आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने ये डिस्क्लोज किया दैट इंडिया बिकेम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड जब इंडिया ने अपना फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए फॉर द ईयर ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी दैट मंथ कवरिंग अप्रैल मई जून जब उनका डेटा डिक्लेयर किया डिस्क्लोज हुआ उसके बाद आई की रिपोर्ट ने ये कहा कि दैट इंडिया बिकेम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया ने रिसेंटली ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है दैट ब्रिटेन वाज एट द फिफ्थ प्लेस और इंडिया ने उसको पीछे छोड़ते हुए आगे अपनी फिफ्थ पोजीशन बना ली है दैट एज पर द आईएमएफ कैलकुलेशन इंडिया एक्सटेंडेड इट्स लीड इन द फर्स्ट क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द जीडीपी फिगर्स ब्रिटेन हैज ड्रॉप्ड बिहाइंड इंडिया टू बिकम द वर्ल्ड्स थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अब इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया जिसके साथ इंडिया फिफ्थ प्लेस पे आ गया और ब्रिटेन सिक्स प्लेस पे आ गया इन 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और वो उसी कॉलोनी ने विच वॉज अर्ली कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर सेवेंटी फाइव ईयरस ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी सो दिस इज जी डी कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड चाइना थर्ड जापान फोर्थ इज जर्मनी एंड फिफ्थ इज इंडिया और आप देख सकते हो सिक्स प्लेस पर आपकी है यूनाइटेड किंगडम इंडिया की इकोनॉमी अब हो गई है अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर और यूके की है थ्री पॉइंट थ्री ट्रिलियन डॉलर और अब हम ये एक्सपेक्टेड है कि ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन या ट्वेंटी थर्टी तक हम ये थर्ड पोजिशन पर आ सकते हैं बिकॉज रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज डिक्लेयर दैट द टारगेट ऑफ रीचिंग द फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी ऑफ द इंडियन इसके साथ गवर्नमेंट काफ़ी मेजर्स ले रही है लाइक डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन थर्ड सर्विस सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं तो इसके साथ हम जल्द ही थर्ड प्लेस पे भी आ सकते हैं और पूरे इंडिया को यंग पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट उठाना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड फिर उसके बाद देखेंगे हम यूके और इंडिया के रिलेशंस हिस्टोरिकली जीडीपी के साथ कैसे हैं पहले हम देख सकते हैं 1990 में ये इंडिया की जीडीपी है दिस है ऑफ़ यूके कितना डिफरेंस है उसके बाद 2008 में जब वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आए उसके बाद उससे पहले ये कितना ज़्यादा गैप था लेकिन 2008 के बाद ये गैप रिड्यूस होता गया इससे हम ये कह सकते हैं कि 2008 के क्राइसिस में इंडिया वाज अ वेरी रिजिलियंट कंट्री कि इंडिया को बहुत कम शॉक्स लगे थे 2008 क्राइसिस के जिसके साथ और उसके बाद हमने उसे बहुत अच्छे से रिवाइव किया लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया था जिसके साथ उनकी जी बहुत ज़्यादा गिर गई थी और इंडिया जो कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग इकोनोमी है और वो उसने अच्छे से फाइट किया था टू के क्राइसिस को धीरे धीरे ये गैप कम होता गया 2020 में ये एकदम से बराबर आया और उसके बाद यहाँ पे 2022 में इंडिया ने अब यूके को पीछे छोड़ दिया है और आगे एक्सपेक्टेड है कि गैप बहुत ज्यादा वाइडन होता रहेगा दिस इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया एंड दिस इज एक्सपेक्टेड जीडीपी ऑफ यूके सो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है जिस कंट्री के हम पहले कॉलोनी थे अब हमने उसको पीछे छोड़ दिया है फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम यूके को पीछे छोड़ रहे हैं नेक्स्ट हम देखेंगे जी डी पी बाय पी 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 टर्म्स जो हमने पीछे जी डी पी देखी दैट वॉज एट जी डी पी एट नॉमिनल रेट्स लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है जी डी पी एट पी 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 परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरम इसमें क्या होता है जी डी पी को नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल नॉमिनल रेट के ऊपर जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम एक्सचेंज रेट हम अपना मार्केट वाला लेते हैं कि एक डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव बट परचेजिंग पावर में क्या होता है कि जैसे आप इसको देखो कि हम एक बर्गर जो हम यू एस में खरीदें दैट विल भी अप्रॉक्सीमेटली टू डॉलर्स और वो हम इंडिया में कंपेयर करें तो वो वन फिफ्टी रुपीज़ के आसपास हो गया बट अगर वही बर्गर हम इंडिया में ख़रीदें मैकडोनल्स का तो वो फिफ्टी रुपीज़ के आसपास होगा और उसी अमाउंट में हमारे तीन बर्गर आते हैं इंडिया में जो हम यू एस में एक बर्गर परचेज करते हैं तो उसके साथ जो हमारे तीन बर्गर्स हमारे वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ एक बर्गर ऐड कर रहे हैं तो इस लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए हम एक जीडीपी लेते हैं दैट इज़ एट जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी कि हमारे जो परचेजिंग पावर है हमारे जो इंडिया में कॉस्ट ऑफ़ लिविंग है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू यू जो हमारे मार्केट रेट रेंट के अगर एक पर्सन डेली में रह रहे हैं उसका जो रेंटल अमाउंट है वो यू में सेम नहीं होगा उसमें बहुत ज़्यादा होगा लेकिन हमारी जीडीपी में वेरिएशन उसके साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है उस लिमिटेशन uh, को कवर अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं जी डी पी एट पी 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 तो उस केस में हमारा इंडिया इज़ एट थर्ड नंबर और उसमें इंडिया की जी है एलेवन पॉइंट सेवन ट्रिलियन डॉलर फर्स्ट प्लेस पे है हमारा चाइना सेकेंड पे यू एस और थर्ड पे हमारा इंडिया यू के है एट्थ नंबर के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है एक एक्चुअल पिक्चर जनरेट करने के लिए बट हम उसको हमेशा यूज़ नहीं करते ड्यू टू तो इट्स लिमिटेशन कि हम हर एक गुड्स को कंपेयर नहीं कर सकते कुछ गुड्स इंडिया में परचेज होते हैं पर मैन्युफैक्चर होते हैं वो सेम प्रोडक्ट्स आपके अमेरिका में नहीं बनते या कुछ प्रोडक्ट्स uh, आपके उधर यूज़ होते हैं अमेरिका में बट वो सेम टू तो सेम इंडिया में नहीं यूज़ होते तो इसलिए हम जी डी पी एट पी को रेगुलर यूज़ के लिए नहीं लेके आते बट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक कॉमोडिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं उस केस में इंडिया इज़ एट थर्ड प्लेस नेक्स्ट कंपेरिजन करेंगे हम इंडिया और स्टर्लिंग पाउंड का कंपेरिज़न कि इंडियन रूपी और इंडियन पाउंड कैसे चेंजेस हो रहे हैं ट्वेंटी में स्टर्लिंग पाउंड था अप्रोक्सीमेटली 103 के आसपास बट अब ये सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू में गिर के हो गया नाइन्टी वन के आसपास तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वन ईयर गैप ओनली कि एक सौ तीन से गिर के वो नाइन्टी वन पे आ गए इसके पीछे रीजन्स क्या है कि यूके इज़ फेसिंग क्राइसिस लाइक सिचुएशन ड्यू टू द यूक्रेन एंड रशिया वॉर उसके साथ क्या हो रहा है कि उधर से उनकी एनर्जी सप्लाई फूड क्राइसिस ये सारे रीजन्स यूके की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं जिसके साथ उसके अंदर क्राइसिस सिचुएशन आई हुई है तो अब रिसेंटली यूके में नए प्राइम मिनिस्टर भी आए लिस्टर्स देखते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ को कैसे अब वो ब्रिटेन को रिवाइव करेंगे नेक्स्ट हमारी स्लाइड रहेगी कि हमें एक बात देखनी चाहिए कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारी कंट्री आ गई फिफ्थ नंबर के ऊपर बट हमें उसको अभी इतना ज़्यादा भी नहीं खुश होना चाहिए उसके पीछे रीजंस देखेंगे कि क्यों नहीं हमें खुश होना चाहिए बिकॉज फर्स्ट रीज़न इज लो जीडीपी पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इसका मीनिंग क्या होता है जी डी एक तो हमारी फिफ्थ नंबर पर जा रही है बट अगर हम उसको डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन कर दें तो उसके साथ निकलती है हमारी जी पर कैपिटा कि एक पर्सन कितना एडिशन कर रहा है जीडीपी के अंदर उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट पर कैपिटा वो हमारी बहुत कम है इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी टू हंड्रेड सेवेंटी सेवन डॉलर और यूके में है ये फोर्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी फोर डॉलर सो ये अप्रॉक्सीमेटली टू हंड्रेड टाइम्स इंडिया की लेस है एज़ कम्पेयर टू यू सेकेंड इज़ पॉवर्टी इंडिया में पॉवर्टी भी अभी बहुत हाई लेवल पर प्रिवेल करती है अर्बन पॉपुलेशन इज सिक्स एंड रूरल इज़ इलेवन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेटा अभी भी हमारी पॉपुलेशन इतनी पॉवर्टी लाइन के बिलो रहती है कि वो पॉवर्टी लाइन की जो हमारी अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली डेढ़ सौ रुपये डेली का नहीं कमाते वो भी हमारी काफ़ी पॉपुलेशन अभी प्रिवेल करती है थर्ड है इनइवालिटी इज राइजिंग कि रिच और पुअर में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसके पीछे डेटा क्या है टॉप टेन परसेंट होल्ड सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ इंडिया टोटल नेशनल वेल्थ और बॉटम फिफ्टी होल्ड ओनली थर्टीन परसेंट तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिच पर्सन के पास कितनी वेल्थ है और पुअर पर्सन के पास कितनी वेल्थ है और नंबर ऑफ रिच पर्सन आर वेरी लेस और उसके साथ साथ पुअर का नंबर कितना ज़्यादा है और कोरोना के बाद तो हमने एक सैनैरियो भी देखा दैट इज कॉल्ड एज के कव इकोनोमी केक मीन्स रिच रिच होता जा रहा है और पुअर पुअर होता जा रहा है जिसके साथ आप अभी रिलेट कर सकते हो करंट अफेयर्स के साथ करंट न्यूज के साथ कि इंडिया में बिलीनियर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है रिसेंटली अदानी जी बिकेम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड तो आप देख सकते हो इंडिया में बिलियनियर्स भी बढ़ते जा रहे हैं उतने ही आपके पॉवर्टी लाइन के बिलो भी बढ़ते जा रहे हैं तो दिस इज अ रॉन्ग सिग्नल फॉर द इंडियन इकोनमी फोर्थ हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 63 मिलियन पीपल आर पॉवर्टी ड्यू टू द पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू अप्रोक्सीमेटलीसेंट ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंसिस आर बोर्न आउट ऑफ द पॉकेट बाय द पेशेंट जिसके साथ क्या होता है कि जो हमारे पुअर पीपल हैं उनको ज्यादा अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन हेल्थ केयर के ऊपर खर्चना पड़ता है जिसके साथ वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं फिफ्थ है लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट इज़ ओनली सेवनटी फोर परसेंट कि सेवनटी फाइव ईयर्स हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को लेकिन अभी तक हम हमारी सिर्फ सेवनटी फोर परसेंट ही है लिटरेसी रेट है कि सेवनटी फोर परसेंट पॉपुलेशन ही हमारी लिटरेट है बाकी अभी इलिटरेट है तो दिस ऑल आर दी वेरी बैड सिग्नल्स फॉर दी इंडियन इकोमी और हम इसको देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हम इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे फर्स्ट इंक्रीज एफ डी आई इन इंडिया अगर हम फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में लेके आएंगे कि यहाँ पर आप बिजनेस सेटअप करो या कुछ और इंडस्ट्री सेटअप करो उसके साथ क्या होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट के साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा तो हमें फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट प्रोवाइडिंग स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट सेकेंड स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज थर्ड रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड रिड्यूस रेड टेपिज्म इसको हम कह सकते हैं रेड टेपिज्म टू बी कन्वर्टेड टू रेड कारपेट कि हमें उनके लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए अदर देन हमें उनके ऊपर रेगुलेशन और ज्यादा इम्पोज करनी चाहिए सेकेंड इज इंक्रीज प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ क्या होगा आपकी नई इंडस्ट्री सेटअप होगी इंडस्ट्री सेटअप होगी तो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और गुड्स एंड सर्विसेज हमारे और प्रोड्यूस होंगे और प्रोड्यूस होंगी तो एक्सपोर्ट होगा एक्सपोर्ट के साथ फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा जिसके साथ हम और ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं थर्ड इन्फ्लेशन टू बी कंट्रोल्ड रिसेंटली हमारे इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है जिसके साथ हमारी जो पुअर पीपल की क्लास है उनको ज़्यादा अपना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है और उसके साथ उनका सेविंग का कॉम्पोनेट कम होता जा रहा है सेविंग के साथ क्या होगा हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है बट अगर सेविंग ही नहीं होगी तो आगे इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी तो हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए फोर्थ इज मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। पीस एंड हार्मनी के साथ क्या होगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं जाएगा कि अगर यहाँ पे दंगे होते रहेंगे या कर्फ्यू लगते रहेंगे तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेस पहुँचेगा और साथ में हमारे बिजनेसिस को इम्पैक्ट होगा और एफ में हमने देखा प्रोवाइड स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट टू एम अगर हमारे यहाँ पे एक ग्लोबल पिक्चर क्रिएट होगी इंडिया की दैट इंडिया में यहाँ पे तो कर्फ्यू लगते रहते हैं या बंद लगते रहते हैं तो एम एनसी विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू इंडिया इंडिया की पिक्चर ग्लोबली थोड़ी सी कम एट्रैक्टिव होगी उसके बाद अवॉइड स्ट्राइक्स हड़ताल एंड बंस इन कंट्री उसके बाद फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स एज इट लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें अपनी जीडीपी का कुछ ज़्यादा पोर्शन हमें अपने सोशो कैपिटल के ऊपर लगाना चाहिए सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स लाइक एजुकेशन स्केल हेल्थ केयर के ऊपर ताकि इसके साथ हमारी ह्यूमन कैपिटल बनेगी ह्यूमन कैपिटल मीन्स हमारे पॉपुलेशन की माइंड डिवेलप होंगे उनके साथ स्केल आएगा तो नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी इसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करनी चाहिए लास्ट हमें आर एंड डी के ऊपर एक्सपेंडिचर करना चाहिए आर एंड डी के ऊपर एक्सपेंडिचर करने से क्या होगा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कि नई इंडस्ट्री सेटअप कर सकेंगे लाइक like, अभी रिसेंटली इमर्जिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम सेटअप कर पाएंगे लाइक सेमी कंडक्टर ऑटोमोबिल हम ज़्यादा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ग्लोबली अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारे परचेज होंगे तो उनके लिए जो बैटरी का कॉम्पोनेंट है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है उसके बाद हम यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सोलर पैनल्स लगेंगे उसकी मैनुफैक्चरिंग हम इंडिया में स्ट्रोंग कर सकते हैं सोलर पैनल्स के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी भी दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इसके लिए हमें आर एंड डी के ऊपर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू जी डी पी हमने अब देखा कि इंडिया बिकेम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बट उसके कुछ लेकुनर्स भी हैं कि हमारे सोशल पैरामीटर्स डाउन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी हमने ये पैरामीटर्स देखे सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू द जी डी पी होप यू लाइक इट लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू